हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोटर्स यूट्यूब चैनल। दिस इज इंजीनियर सी एस नागेंद्र। आवर टुडेज टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज प्रॉब्लम ऑन डायगोनल स्केल्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल स्केल? डायगोनल स्केल से आप क्या समझते हैं? अ डायगोनल स्केल इज अ स्केल विच कैन रिप्रेजेंट मैक्सिमम 3 यूनिट्स ऑन इट। या तो फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अ डायगोनल स्केल इज अ स्केल इन विच 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स और अ सिंगल यूनिट और अ फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, मतलब स्केल ऐसा स्केल जिसमें 3 यूनिट, 2 यूनिट, सिंगल यूनिट या उसका फ्रैक्शन को यूनिट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ 3:200 शोइंग मीटर्स एंड डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर्स। शो लेंथ ऑफ 4.56 मीटर ऑन इट। यहाँ पर RF दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है, तो आपको लेंथ ऑफ स्केल आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे RF के फॉर्मूले से। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गिवन डेटा क्या है। सबसे पहले गिवन डेटा नोट कर लेते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर। तो कोई भी यूनिट में दिया रहेगा, हम उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर यूनिट में इसको नोट कर देंगे। तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ वाई 5 × 100 इज 500 सेंटीमीटर। RF दिया हुआ है 3/200। ठीक है, therefore from the definition of RF, length of scale LOS क्या हो जाएगा, RF into actual length of the drawing हो जाएगा। RF दिया हुआ है 3/200, actual length of the drawing दिया हुआ है 500, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेंथ ऑफ स्केल LOS क्या मिल गया आपको, 7.5 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ RF, RF इज 3/200 विच इज़ लेस देन यूनिटी, हैंस इट इज़ अ डायगोनल स्केल ऑफ विच टाइप, रिड्यूसिंग टाइप। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल ही निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ स्केल निकल जाएगा, फिर आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग बनाने के लिए क्या करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑफ LOS 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉट डिवाइड, कन्वर्ट दैट रेक्टेंगल, कन्वर्ट दैट लाइन इंटू अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का विड्थ कितना लेना है, तो आप 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, सच दैट हर एक पार्ट जो रहेगा 0.5 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, समझ में। अब आपको स्केल जो बनाना है, किसका स्केल बनाना है, मीटर का बनाना है, डेसीमीटर का बनाना है, सेंटीमीटर का बनाना है। तो जो मीटर स्केल रहेगा वो राइट साइड में रहेगा, डेसीमीटर रहेगा जो फर्स्ट पार्ट के बॉटम में रहेगा, और जो सेंटीमीटर रहेगा वो विड्थ के लेफ्ट साइड में रहेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हर पार्ट को आपको 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से होता है। तो डिवाइड द रेक्टेंगल इंटू 5 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट, बिकॉज मैक्सिमम लेंथ कितना दिया, 5 मीटर दिया है, तो हर एक पार्ट जो है वो 1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए 5 मीटर में। अगर 10 पार्ट बोल 10 मीटर्स लिखा है तो 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ नंबर इट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ से 0, 1, 2, 3, 4। आपको क्या करना है, ये जो हर एक पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट भी 1 मीटर में है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, इसलिए फर्स्ट पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फॉर डिवाइडिंग द फर्स्ट पार्ट इन टू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, ड्रॉ अ इंक्लाइंड लाइन ऑफ एनी लेंथ एंड डिवाइड दैट लाइन इनटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। आप क्या करेंगे, पॉइंट 0 0 को मैच करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ पैरेलल टू दिस लाइन ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 10, सच दैट इट विल डिवाइड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल इनटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब पॉइंट नंबर 1 से जो लाइन आपको स्केल में मिला है ऊपर में, उसको पॉइंट नंबर 0 स्केल के बॉटम वाले पॉइंट से मैच करते हुए इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पैरेलल टू दैट इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑब्टेन ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्केल। तो इस तरीके से आपका जो स्केल का फर्स्ट पार्ट है वो 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आपको जो लाइंस मिलेंगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगी, वहाँ पर इंक्लाइंड लाइन मिलेंगी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब उसको आप नंबरिंग कर दीजिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट पार्ट को नंबरिंग भी करना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब भी फर्स्ट पार्ट को नंबरिंग करने का बात आएगी तो हमेशा हम लोग रूल फॉलो करेंगे राइट टू लेफ्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो नंबरिंग कर देते हैं राइट टू लेफ्ट में। देखिए, अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो वीडियो आप फिर से रिवर्स करिए और रिवर्स करके फिर से चलाइए, तो बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरीके से बनाना है। प्लेन स्केल थोड़ा सा अलग था, डायगोनल स्केल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है फर्स्ट पार्ट में। प्लेन स्केल में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनती थी, ठीक है, डायगोनल स्केल में थोड़ी इंक्लाइंड लाइन बनती है।
ठीक है, समझ में आया। अब आपने डिवाइड कर लिया है फर्स्ट पार्ट 10 पार्ट्स में, उसको आप नंबरिंग कर दीजिए 0 से लेके 10 तक। आपके ऊपर है आप कैसे नंबरिंग करना चाहते हैं, पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए छोटे छोटे इस लेटर्स में। और उसके बाद आपको क्या करना है, विड्थ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो विड्थ को डिवाइड करने के लिए एक इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे ऑफ एनी लेंथ, और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद पॉइंट नंबर 10 से स्केल के टॉप मोस्ट लेयर, राइट साइड का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको मैच करते हुए एक लाइन बनाएंगे। उस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट नंबर 9 से पॉइंट नंबर 1, सच दैट इट विल डिवाइड द विड्थ ऑफ द स्केल इंटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। फिर उसको नंबरिंग कर देंगे 0 से लेकर 10 तक। अब जो इसके स्केल के लोअर मोस्ट राइट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, मीटर, बिकॉज लार्ज यूनिट इज़ मीटर। स्केल के फर्स्ट पार्ट के बॉटम साइड में लिखेंगे लोअर लेफ्ट साइड में डेसीमीटर, बिकॉज इससे छोटा डेसीमीटर है और सबसे छोटा क्या है, सेंटीमीटर। तो इस जो सबसे छोटा रहता है उसको विड्थ जहाँ पर है उसके लेफ्ट साइड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट्स? ठीक है, अब और क्या दिया है क्वेश्चन में, आरएफ दिया हुआ है तो आरएफ भी लिख दीजिए 3/200। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आरएफ वहाँ पर लिख दीजिए 3/200। कौन सा टाइप का स्केल है, डायगनल स्केल है, कौन सा टाइप का है, रिड्यूसिंग टाइप का, वो भी आप मेंशन कर दीजिए। और आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 4.56 मीटर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड खींचेंगे। यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट में जो 5 वाली इंक्लाइंड लाइन है उसको मैच करिए, और जो लेफ्ट साइड से जो 6 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैच करिए। दोनों को जहाँ मैच करेंगे इंटरसेक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको एक डॉट मिलेगा, वहाँ पर डॉट बना लीजिए। उस डॉट से एक वर्टिकल अपवर्ड लाइन ऊपर प्रोजेक्ट करिए, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 4.56 मीटर। 4 यहाँ से ले लिए मीटर से, फर्स्ट पार्ट से 5 ले लीजिए और विड्थ वाले सेक्शन से 6 ले लीजिए। तो ऐसे करके 4.56 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या है, 4 मीटर, 5 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यही प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ 1:2.5 शोइंग सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 25 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंट 13.4 सेंटीमीटर ऑन इट। आपको एक डायगोनल स्केल बनाना है जिसमें सिर्फ 2 यूनिट आपको शो करना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन डाटा नोट कर लेते हैं, एक्चुअल लेंथ या मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर गिवन है, आर एफ की वैल्यू दी हुई है 1/2.5। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर एफ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल एल ओ एस इज इक्वल टू आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग होता है, विच इज इक्वल टू 1/2.5 इंटू 25, एक्चुअल लेंथ 25 दिया था। तो एल ओ एस क्या मिल जाएगा आपको, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मिल गया, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अब फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर एफ वी कैन कैलकुलेट या वी कैन डिटरमाइन विच टाइप ऑफ स्केल इट इज। आर एफ दिया 1/2.5 इज लेस देन यूनिटी, देयर फॉर इट इज डायगोनल स्केल ऑफ रेडिएशन टाइप। ठीक है, आइए देखते हैं बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन का लेंथ कितना होगा, जितना एल ओ एस का वैल्यू होगा। तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑफ एल ओ एस 10 सेंटीमीटर। नाउ कन्वर्ट दिस लाइन इन टू अ रेक्टेंगल, कन्वर्ट कर लीजिए। विड्थ आप अपने हिसाब से ले लीजिए, 0.2 का लेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा जिसमें 10 पार्ट्स रहेंगे, तो हर एक पार्ट 0.2 सेंटीमीटर का रहेगा। 0.5 का लेंगे तो 5 सेंटीमीटर का लेंथ रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, नाउ डिवाइड दिस रेक्टेंगल इंटू 5 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, सो दैट ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 20 सेंटीमीटर्स। हर एक पार्ट जो है, नहीं, ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 5 सेंटीमीटर्स, सच दैट टोटल स्केल विल रिप्रेजेंट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि हर पार्ट 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में करेंगे। वेरी गुड, तो फर्स्ट पार्ट, फॉर डिवाइडिंग द फर्स्ट पार्ट इंटू 5 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, ड्रॉ इंक्लाइंड लाइन एंड डिवाइड दैट लाइन इंटू 5 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। नाउ मैचिंग पॉइंट 0 0 ड्रॉ अ लाइन एंड पैरेलल टू दैट लाइन ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 5 ऑन द स्केल। अब पॉइंट नंबर 1 से जो टॉप मोस्ट लेयर में जो पॉइंट मिला है स्केल में फर्स्ट पार्ट में, उसको बॉटम वाले पॉइंट 0 से मैच करते हुए एक लाइन खींचेंगे। अब पैरेलल टू दैट लाइन ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑब्टेन ऑन द फर्स्ट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्केल। कर लिए, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, हर एक पार्ट क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है स्केल का। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट का जो हर पार्ट है, ईच पार्ट है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाला रहेगा वो मिलीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, दैट इज़ वाई वी विल डिवाइड द विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ ऑफ द स्केल इंटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो फॉर डिवाइडिंग द विड्थ ऑफ द स्केल इंटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, ड्रॉ इंक्लाइंड लाइन ऑफ एनी लेंथ, ड्रॉ अ इंक्लाइंड लाइन ऑफ एनी लेंथ एंड डिवाइड दैट लाइन इंटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। दिखाई, डिवाइड कर दीजिए, देखिए डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
नाउ आफ्टर डिवाइडिंग द ट्लाइनयूटानी कोलम्बर पार्ट्स फ्रॉम पॉइंट नंबर टेन से एक लाइन बनाएंगे सच दैट इट विल जॉइन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्केल राइट साइड वाले पॉइंट को, टॉप मोस्ट वाले राइट साइड वाले पॉइंट को पॉइंट नंबर टेन से मैच करते एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। नाउ पैरेलल टू दैट लाइन ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम पॉइंट नंबर नाइन टू पॉइंट नंबर वन सच दैट इट विल डिवाइड द विड्थ ऑफ द स्केल इंटू टेन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये देखिए हो गया टेन इक्वल नंबर पार्ट्स में डिवाइड में, ठीक है। नाउ आफ्टर डिवाइडिंग द विड्थ इंटू टेन इक्वल नंबर पार्ट्स नंबर एट फ्रॉम टू फोर सिक्स एट टेन इस तरीके से, या पूरा वन टू थ्री फोर लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो लार्जर यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर है, तो स्केल के राइट साइड के बॉटम में हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर, उसके बाद उससे छोटा यूनिट कोई है नहीं, उस सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर है। तो जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, विड्थ के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो वहाँ पर लिख दीजिए मिलीमीटर्स, ठीक है। समझ में आए स्टूडेंट्स। अब आर एफ दिया हुआ है तो आर एफ को मेंशन कर दीजिए, आर एफ इजिकल टू 1/2.5। कौन सा स्केल बना रहे हैं, डायगनल स्केल बना रहे हैं, वो भी मेंशन कर दीजिए। कौन से टाइप का है, रिड्यूसिंग टाइप का है, तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मेंशन कर दिया आपने, वेरी गुड। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 13.4 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस शो करना है, तो 10 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपवर्ड, और फर्स्ट पार्ट के पॉइंट नंबर 3 से एक लाइन को ले लीजिए, और विड्थ से पॉइंट नंबर 4 को ले लीजिए, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ एक डॉट बना लीजिए, उस डॉट से एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड की तरफ खींच लीजिए। अब ये जो दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 13.4 सेंटीमीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। 13.4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 13 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, ठीक है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। एन एरिया ऑफ फील्ड इज 50,000 मीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ मैप ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। साइड लेंथ दिया है मतलब एरिया दिया है, 10 इंटू 8 कर देंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ड्रॉ डायगनल स्केल टू रीड सिंगल मीटर एंड रिप्रेजेंट 428 मीटर ऑन इट। आपको एक मीटर स्केल बनाना है जिसमें 1/100 भी शो करेगा, 1/10 भी शो करेगा और यूनिट्स भी शो करेगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया वाला क्वेश्चन है। जैसे प्लेन स्केल में भी एरिया वाला क्वेश्चन आता है, वैसे ही डायगोनल स्केल में भी आता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमको गिवन डाटा नोट करना है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ है वो नहीं दिया है, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने का लेंथ दिया है 428 मीटर, तो जो मैक्सिमम लेंथ रहेगा वो उससे ज़्यादा ही रहेगा। दैट इज़ वाई लेट अस अज्यूम दैट द एक्चुअल लेंथ और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 500 मीटर्स। आर एफ दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टू 50,000 मीटर स्क्वायर, तो लेट अस टेक द अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 25 मीटर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। नाउ इट विल बिकम 1/2500 बिकॉज एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ देयरफॉर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द आर एफ लेंथ ऑफ स्केल एल ओ एस इज इक्वल टू आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग। आर एफ दिया 1/2500, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग दिया 50,000, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एल ओ एस मिल जाएगा। तो एल ओ एस क्या मिला आपको, 20 सेंटीमीटर मिला। नाउ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर एफ, आर एफ कितना है 1/2500 विच इज लेस देन यूनिटी, देयरफॉर इट इज अ डायगोनल स्केल ऑफ क्विच टाइप, रेड्यूसिंग टाइप। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया जा रहे हैं। आइए देखते हैं बनता कैसे है। तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑफ एल ओ एस 20 सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट दैट लाइन इंटू अ रेक्टेंगल। नाउ डिवाइड दैट रेक्टेंगल इंटू 5 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स सच दैट ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 100 मीटर्स। समझ में आए स्टूडेंट्स, 500 मीटर एक्चुअल लेंथ दिया था, इसलिए हर एक पार्ट को पांच पार्ट में, हर एक पार्ट क्या है 100 मीटर शो कर रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिवाइड द फर्स्ट पार्ट इनटू आइदर 100 पार्ट्स और 10 पार्ट्स, तो हम लोग 10 पार्ट्स में करेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे कि हर एक पार्ट 10 यूनिट्स का है, ठीक है। तो ड्रॉ इंक्लाइंड लाइन ऑफ एनी लेंथ एंड डिवाइड दैट लाइन इनटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड फ्रॉम पॉइंट नंबर 0 टू 0 ड्रॉ अ लाइन एंड फ्रॉम विद दैट लाइन पैरेलल उस लाइन के पैरेलल हर एक पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 10 तक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल के टॉप मोस्ट लेयर में। अब जो पॉइंट नंबर 1 से जो पॉइंट मिला है स्केल के टॉप लेयर में, उसको पॉइंट नंबर 0 से मैच करेंगे और इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और उस लाइन के पैरेलल हर पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते चलेंगे, फिर उसको नंबरिंग कर देंगे 0 to 100, ठीक है। अब जो विड्थ है वो भी है, वो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है स्केल का वो क्या कर रहा है, हर पार्ट में 10 यूनिट्स है, और जो विड्थ रहेगा उसमें हर पार्ट में सिंगल यूनिट रहेगा,
तो आपको क्या करना है, विड्थ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर डिवाइडिंग द विड्थ ऑफ 10 इक्वल नंबर पार्ट्स, ड्रॉ इंक्लाइंड लाइन एंड डिवाइड दैट लाइन ऑफ 10 इक्वल नंबर पार्ट्स। स्केल के राइट साइड के टॉप मोस्ट लेयर को पॉइंट नंबर 10 से मैच करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उस लाइन के पैरेलल पॉइंट नंबर 9 से पॉइंट नंबर 1 तक इंक्लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करते चलेंगे, सच दैट इट विल डिवाइड द विड्थ ऑफ द स्केल इंटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। फिर नंबरिंग कर दीजिए उसका आप, 0 से लेकर 10 तक। अब ये जो स्केल है ये क्या है, मीटर स्केल शो कर रहा है, 1/100 का राइट साइड में, 1/10 का फर्स्ट पार्ट में, और वन सिंगल यूनिट्स का विड्थ में। तो उसको मीटर आप लिख लीजिए। आर एफ की तो वैल्यू कितना दिया, 1/2500। कौन सा स्केल है, डायगनल स्केल, रेडियसिंग टाइप का, ठीक है। आपको क्या शो करना है, 428 मीटर शो करना है। तो 400 से एक लाइन ऊपर ड्रॉप करेंगे, 20 से लाइन इंक्लाइन लाइन से मैच करेंगे, और 8 से हॉरिजॉन्टल से मैच करेंगे। वहाँ डॉट बना लीजिए, वहाँ से एक लाइन ऊपर खींच लीजिए। अब ये तो दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 428 मीटर्स है। समझ में आया स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा तो वीडियो रिवर्स करिए, फिर से चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए ठीक है। ये देखिए जो 428 मीटर का मतलब है, 400 का, 20 10s का, 8 सिंगल्स का, सबको मिला के 428 मीटर बन जाएगा। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। ड्रॉ डायगोनल स्केल टू शो माइल्स फॉर लॉन्ग्स एंड चेन्स हैविंग आर एफ 1:5:0688 एंड लॉन्ग इनफ टू रीड अप टू 5 माइल्स, रिप्रेजेंट्स 3 माइल 5 फॉर लॉन्ग 3 चेन्स ऑन इट। सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। एक्चुअल लेंथ या मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 माइल्स। तो इसको कन्वर्ट करना है हमको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइल्स को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। तो 5 × 8 बिकॉज 1 माइल इज इक्वल टू 8 फॉर लॉन्ग, 8 × 220 बिकॉज 1 फॉर लॉन्ग इज इक्वल टू 220 यार्ड्स, 220 × 3 बिकॉज 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 3 × 12 बिकॉज 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 12 × 2.54 बिकॉज 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या मिल गया आपको, 8:04672 सेंटीमीटर। आर एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1/5:0688। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर एफ, लेंथ ऑफ स्केल एल ओ एस क्या हो जाएगा, आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ, तो ड्राइंग हो जाएगा। तो आर एफ दिया है 1/5:0688, एक्चुअल लेंथ मिल गया 8:04672, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एल ओ एस क्या मिल जाएगा आपको, 15.87 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर एफ, आर एफ इज लेस देन 1, देयर फोर इट इज़ अ डायगनल स्केल ऑफ विच टाइप, रेड्यूसिंग टाइप। वेरी गुड, समझ में आ रहा है मतलब आपको। चलिए आगे देखते हैं बनता कैसे है। तो बनाने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्केल जो बनाना है आपको क्या करना है, माइल फॉलोंग और चेन का बनाना है। तो 1 माइल में 8 फॉलोंग होते हैं, इसलिए जो फर्स्ट पार्ट को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और विड्थ 1 फॉलोंग में 10 चेन होते हैं, इसलिए विड्थ को आप 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ 5 माइल दिया है, तो पूरे स्केल को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑफ 15.87 सेंटीमीटर, कन्वर्ट दिस लाइन इंटू रेक्टेंगल एंड डिवाइड दैट रेक्टेंगल इंटू 5 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, सच दैट ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 1 माइल, ठीक है। तो नंबरिंग कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक पार्ट 1 माइल रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 माइल में 8 फॉलोंग होते हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट को आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फॉर डिवाइडिंग द फर्स्ट पार्ट इंटू 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, ड्रॉ इंक्लाइन लाइन ऑफ एनी लेंथ एंड डिवाइड दैट लाइन इंटू 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब पॉइंट नंबर 0 इंक्लाइन लाइन में, जहाँ पर पॉइंट नंबर 0 है, वहाँ से स्केल में जो पॉइंट नंबर 0 मिल रहा है उसको मैच करते एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब पैरेलल टू दैट लाइन ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 8, सच दैट इट विल मीट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्केल, ठीक है। अब स्केल में जो टॉप मोस्ट लेयर में पॉइंट नंबर 1 मिला है उसको स्केल के बॉटम मोस्ट पॉइंट 0 से मैच करते हुए एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लीजिए। स्केल की मदद से ही करना है, ध्यान रखेंगे, है ना, फ्री हैंड नहीं करेंगे। और उस लाइन के पैरेलल हर एक पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल लाइंस, सच दैट इट विल डिवाइड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्केल इनटू 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब 8 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो नंबरिंग भी कर लेते हैं। अब नंबरिंग, फर्स्ट पार्ट को हमेशा नंबरिंग करने के लिए राइट टू लेफ्ट रूल फॉलो करेंगे, तो इसलिए राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे, ठीक है। कर दीजिए 1 से 8 नंबरिंग हो गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉलोंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 फॉलोंग में कितने चेन होते हैं, 10 चेन होते हैं। तो विड्थ को हम चेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो विड्थ को आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर डिवाइडिंग द विड्थ इनटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, ड्रॉ इंक्लाइंड लाइन ऑफ एनी लेंथ एंड डिवाइड दैट लाइन इंटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर बनाएंगे तो हज पहुँच जाएगा, इसलिए हम लोग राइट साइड में इंक्लाइन लाइन बनाएंगे। तो इंक्लाइन लाइन बना लीजिए, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जो पॉइंट नंबर 10 आएगा उसको स्केल के टॉप मोस्ट लेयर, राइट साइड का जो टॉप मोस्ट लेयर है उससे मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ पैरेलल टू दैट लाइन
ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम पॉइंट नंबर 9 टू पॉइंट नंबर 1 ऑन द विड्थ ऑफ द स्केल सच दैट इट विल डिवाइड द विड्थ ऑफ द स्केल इंटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। हो गया डिवाइड, तो डिवाइड कर लीजिए, लाइन बना लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है बन गया। देखिए डिवाइड कर लीजिए, आफ्टर डिवाइडिंग द विड्थ इंटू 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव टू नंबर इट, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप नंबरिंग करते जाइए, 10 पार्ट्स आएगा तो 10 तक जाएगा, ठीक है। नाउ स्केल के बॉटम साइड में राइट साइड में लिखेंगे माइल्स बिकॉज माइल्स इज द लार्जर यूनिट, स्केल के फर्स्ट पार्ट के नीचे में लिखेंगे फॉर लॉन्ग बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 फॉर लॉन्ग्स बिकॉज 1 माइल में 8 फॉर लॉन्ग होता है, और स्केल के लेफ्ट साइड में विड्थ के लेफ्ट साइड में लिखेंगे चेंज बिकॉज 1 फॉर लॉन्ग में 10 चेंज होते हैं जो हम लोग ने विड्थ में सेक्शन में शो किया है, ठीक है। और तो ये रिप्रेजेंट कर दिए, ये जो स्केल है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइल का रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर लॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है, चेन रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। आर एफ की वैल्यू दी हुई है, आर एफ कितना दिया हुआ है, तो आर एफ भी आपको सेंटर में लिखना पड़ेगा, तो आर एफ को भी सेंटर में लिख लेंगे। डायगनल स्केल दिया हुआ है, कौन सा टाइप का है, रेड्यूसिंग टाइप का है, तो आर एफ के नीचे हम लोग डायगनल स्केल लिख लेंगे, और कौन सा टाइप का, रेड्यूसिंग टाइप का, तो वो भी हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वीडियो को रिवर्स करके रोक रोक के चलाइए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आर एफ दिया हुआ है 1/5068, तो उसको मेंशन कर दीजिए। डायगनल स्केल दिया है कौन सा टाइप का, रेड्यूसिंग टाइप का, उसको भी मेंशन कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 3 माइल्स 5 फॉलोंग 3 चेंज रिप्रेजेंट करना है, तो 3 माइल से एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे, राइट साइड वाला जो खींचा हुआ है देखिए, ठीक है। 5 माइल्स मतलब फर्स्ट पार्ट से, 5 फॉलोंग मतलब फर्स्ट पार्ट से लेना है, फॉलोंग फर्स्ट पार्ट में है, तो 5 वाले लाइन को, इंक्लाइन लाइन को देखेंगे, और 3 चेंज मतलब विड्थ वाले सेक्शन में, चेन वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से 3 लाइन को मैच करेंगे, और इधर से इंक्लाइन लाइन को 5 वाले लाइन को मैच करेंगे, वहाँ डॉट बना लीजिए, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड प्रोजेक्ट कर लीजिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3 माइल 5 फॉलोंग 3 चेंज रिप्रेजेंट करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू।